तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करना अच्छे होंगे। आज के न्यू वीडियो आपको स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हम बताने वाले हैं करम पर्व क्यों मनाते हैं और हम लोग इसको तैयारी कैसे करते हैं। दोस्तों, ये हम लोग जो करम पर्व बनाते हैं उससे पहले हम लोग कितने दिन तक इसको तैयारी करते हैं, इसको बनाने के लिए करम पर्व को लेकर। तो इसी वीडियो में आपको इसी टॉपिक में आपको बताने वाले हैं पूरे अच्छे से। पूरा वॉच कीजिए इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो दोस्तों, करम पर्व एक झारखंड का प्रमुख त्यौहार में से एक त्यौहार है। तो दोस्तों, ये सिर्फ आदिवासी समुदाय के लोग ही नहीं मनाते हैं, गैर आदिवासी समुदाय के लोग भी ये मनाते हैं। बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं और धूमधाम से मनाते भी हैं। तो दोस्तों, आप लोग का पहला सवाल ये होगा कि ये त्यौहार क्यों मनाते हैं। करम पर्व का त्यौहार आदिवासी समाज के लोग और गैर आदिवासी समाज के लोग भी मनाते हैं और ये धान रुपाई होने के बाद ही पूजा को किया जाता है। करम त्यौहार आदिवासी समुदाय के लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि जिस टाइम धान रुपाई होने के बाद इस पर्व को प्रकृति पूजन करके अच्छे से किसी धान हो तो हम लोग पूजा भी करते हैं। दोस्तों, अब आप लोग बताने वाले हैं कि करम पर्व कहाँ कहाँ होते हैं। झारखंड में होते हैं, उड़ीसा में होते हैं, पश्चिम बंगाल में होते हैं, असम में होते हैं, छत्तीसगढ़ में होते हैं, मध्य प्रदेश में होते हैं और यहाँ तक कि बांग्लादेश में भी होते हैं। ये एक फसल उत्सव के रूप में हम लोग मनाते हैं। और दोस्तों, इस करम पर्व को हम लोग भाई बहन के त्यौहार मानते हैं क्योंकि बहन अपने भाई के लिए लंबी उम्र की दुआ मांगती है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये करम पर्व, ये भादो के महीने मनाया जाता है। करम पर्व की तैयारी हम लोग 10 या 12 दिन से पहले हम लोग शुरू कर देते हैं। वर्षा ऋतु में मुख्य तीन पर्व हम लोग मनसा, जितिया और करम। दोस्तों, करम को आजकल लोग इंग्लिश में कर्मा बोलते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। इसका रियल नाम करम है। देखते होंगे बहुत से ऐसे यूट्यूबर है, कोई भी ब्लॉगर है तो लिखते हैं कर्मा पूजा, क्योंकि बिल्कुल गलत है। हम लोग बोलते हैं करम पर्व या करम पूजा। इस त्यौहार को श्रद्धालु रूप से उपवास होकर करम वृक्ष के शाखा को लेकर अपने आंगन में लाते हैं, रोपनी करते हैं, मिट्टी का हाथी और घोड़ा भूतिया बनाकर इस करम देवता को पूजा करते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को दिखाते हैं कि करम पर्व को उत्सव हम लोग अपने गांव में किस तरह मनाते हैं हमारे बहन भाई लोग। तो आपको पूरा वॉच कीजिए वीडियो को, आपको हम दिखाएंगे आपको लास्ट से लास्ट में कि हम लोग किस तरह मनाते हैं और नाचते हैं बहन लोग। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। हम लोग जा रहे हैं करम पर्व देखने के लिए जो मेरे गांव में लगा हुआ है और हम निकल चुके हैं घर से। देखिए गाइस, मेरे गांव है और हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। मैंने रे बोला हुए गाइस। ये देखिए, दीदी लोग पूजा कर रही है करमा को। हम लोग इसको पूजा करते हैं। हम लोग हैं पूजा करके हम लोग यहाँ पे सबको यहाँ पर अब सुबह हम लोग ये लोग नाचेगी दीदी लोग। देखिए पूजा हो गया। देखिए ये लोग हैं जो दो टीम है, दो टीम ये लोग नाचेगी स्टेज में।